नमस्कार सभी साथियों को। आज के इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म 17C मतपत्र लेखा, जिसे रिकॉर्ड किए गए मतों पर लेखा के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो मतपत्र लेखा के सबसे पहले आपको लिखना है ये जो चुनाव है उसका प्रकार क्या है, उसको आपको लिखना है। उसके बाद आपको निर्वाचन क्षेत्र का नाम और क्रमांक लिखना है। इसके बाद मतदान केंद्र की संख्या और नाम लिखना है। तो जो आपको ड्यूटी ऑर्डर मिलेगा उस ड्यूटी ऑर्डर में मतदान केंद्र की संख्या और नाम लिखा होता है। इसके बाद आपको मतदान केंद्र में प्रयुक्त मतदान मशीन के बारे में जानकारी देना है। कंट्रोल यूनिट का सीरियल नंबर, जो कि कंट्रोल यूनिट के पीछे लिखा होता है। बैलेट यूनिट का सीरियल नंबर, जो बैलेट यूनिट के पीछे लिखा होता है। वीवीपैट का सीरियल नंबर, जो वीवीपैट के पीछे लिखा होता है। तो ये तीनों सीरियल नंबर आपको यहाँ पर भरने हैं। इसके बाद आता है बिंदु क्रमांक एक। तो बिंदु क्रमांक एक में आपको मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या लिखनी है। तो इसमें आपके टोटल वोटर्स लिखने हैं, जिसको आप चिन्हित प्रतीक के अनुसार लिख सकते हैं। उसके बाद बिंदु क्रमांक दो में मतदाताओं के लिए रजिस्टर प्रारूप 17(1) में प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या लिखनी है। बिंदु क्रमांक तीन में आपको नियम 49(o) के अधीन मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या लिखनी है। मतलब ऐसे मतदाता जिन्होंने पूरी प्रोसेस फॉलो कर ली है, इन्होंने अपनी अमिट स्याही लगवा ली है, अपना मतदाता रजिस्टर में नाम अंकित करवा लिया है। उसके बाद यदि कोई मतदाता बोलता है कि मैं वोट नहीं डालूंगा, तो ऐसे मतदाताओं की संख्या आपको बिंदु क्रमांक तीन में लिखनी है। बिंदु क्रमांक चार में आपको 49(m) के अधीन मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या लिखनी है। ऐसे मतदाता जो मतदान प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे मतदाताओं को पहले पीठासीन अधिकारी चेतावनी देता है। यदि उसके बाद भी ये मतदान के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करते हैं, तो ऐसे मतदाताओं को वोट देने से पीठासीन अधिकारी रोक सकता है। तो ऐसे मतदाताओं की संख्या बिंदु क्रमांक चार में अंकित करनी है। बिंदु क्रमांक पाँच में नियम 49(m)A के अधीन रिकॉर्ड किए गए परीक्षण मतों को घटाए जाने की आवश्यकता होगी। तो इसमें आपको जो टेस्ट वोट होता है, यदि कोई मतदाता यह बोलता है कि उसने जिस व्यक्ति को वोट डाला था वीवीपैड में, उससे भिन्न व्यक्ति की स्लिप दिखाई दे रही है, इसमें पीठासीन अधिकारी को पहले उस मतदाता को बताना है कि यदि आपका आरोप गलत पाया जाता है, तो आपको 6 माह तक की सजा और 1,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। यदि उसके बाद भी मतदाता बोलता है कि जो उसका आरोप है वो सही है, तो ऐसे व्यक्ति का टेस्ट वोट कराया जाता है। इस टेस्ट वोट के दौरान मतदान के जो दल हैं और अभिकर्ता हैं वो उपस्थित रहते हैं, उनके सामने इनका वोट डाला जाता है। बिंदु क्रमांक पाँच का ये देख लेते हैं, घटाए जाने वाले परीक्षण मतों की कुल संख्या। तो इसमें कुल टेस्ट वोट की आपको संख्या भरनी है। उसके साथ साथ प्रारूप 17(a) में मतदाता की क्रम संख्या भी भरनी है आपको। इसमें आपको कुल परीक्षण मतों की संख्या भरनी है और प्रारूप 17(a) में मतदाताओं की क्रम संख्या भी भरनी है आपको। उसके बाद बी में अभ्यर्थी जिनके परीक्षण मत डाले गए हैं, तो उनका सरल क्रमांक भरना है। बैलेट यूनिट में उनका सरल क्रमांक क्या था, अभ्यर्थी का नाम क्या था और उसे कितने टेस्ट वोट डाले गए हैं, उसकी संख्या को आपको भरना है। यदि ऐसे में किसी व्यक्ति का आरोप सही पाया जाता है, तो तत्काल मतदान को स्थगित कर देना है। और यदि व्यक्ति का आरोप गलत पाया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस के हवाले कर देना है। बिंदु क्रमांक छः में मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या। तो इसमें जो ईवीएम के वोट्स हैं उनकी संख्या को आपको डालना है। बिंदु क्रमांक सात में क्या मत छः के सामने दर्शित मतों की संख्या, मत दो के सामने दर्शित मतों की कुल संख्या, ऋण मत तीन के सामने ऐसा दर्शित मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चित करने वाले मतदाताओं की संख्या, ऋण चार के सामने यथादर्शित मतदान करने के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या से मेल करती है। तो आपको जो टोटल वोट है मशीन का बिंदु क्रमांक छः में जो आपने भरा है, वो बराबर होना चाहिए 2-3-4 के। तो यदि आप पूरी प्रक्रिया का पालन
अच्छे से करते हैं, रिकॉर्ड को सही मेंटेन कर रहे हैं, तो ये बराबर पाया जाता है। बिंदु क्रमांक 8 में आपको उन मतदाताओं की संख्या लिखनी है जिन्हें निम्नलिखित मत पत्र नियम 49P के अधीन जारी किए गए हैं। बिंदु क्रमांक 9 में निम्नलिखित मत पत्रों की संख्या लिखनी है, तो इसमें प्रत्येक पीठासीन अधिकारी को लगभग 20 निर्दिष्ट मत पत्र प्रदान किए जाते हैं। ए में प्रयोग के लिए प्राप्त मत पत्रों की संख्या लिखनी है, उसमें सरल क्रमांक कुल सरल क्रमांक से किस सरल क्रमांक तक के आपको निर्दिष्ट मत पत्र प्राप्त हुए हैं। उसके बाद बी में निर्वाचकों को जारी किए गए मत पत्रों की संख्या लिखनी है, उसमें सीरियल नंबर भी मेंशन करना है। बिंदु क्रमांक सी में अप्रयुक्त और वापस किए गए मतपत्रों की संख्या लिखनी है, ऐसे मतपत्र निर्दिष्ट मतपत्र जिनका उपयोग नहीं किया गया है उसकी संख्या और सीरियल नंबर लिखनी है। बिंदु क्रमांक 10 में आपको पेपर सीलों का लेखा लिखना है, उनका क्रम संख्या लिखनी है। 10 के 1 में देख लेते हैं, प्रदाय की गई पेपर सील की कुल संख्या कितनी, पेपर सील्स आपको मिली थी उसमें आपको सीरियल नंबर लिखनी है, किस सीरियल नंबर से किस सीरियल नंबर तक। उसके बाद यूज किए गए पेपर सील की कुल संख्या लिखनी है, किस सरल क्रमांक से किस सरल क्रमांक तक के पेपर सील का आपने उपयोग किया है उनकी संख्या लिखनी है। उसके बाद बिंदु क्रमांक 3 में रिटर्निंग ऑफिसर को वापस किए गए अप्रयुक्त पेपर सील की संख्या लिखनी है और उनका सीरियल नंबर भी लिखना है। बिंदु क्रमांक 4 में यदि कोई पेपर सील क्षतिग्रस्त हो गई हो तो उनकी संख्या आपको लिखनी है, साथ ही उसका सीरियल नंबर भी लिखना है। इसके साथ साथ आपको वहां पर मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी करवाने होते हैं। इसके बाद पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र का क्रमांक लिखता है, मतदान केंद्र का नाम लिखता है, स्थान और तारीख लिखता है और अपने हस्ताक्षर करता है। तो मतपत्र लेखा का जो पहला भाग होता है वो पीठासीन अधिकारी के द्वारा भरा जाता है, जबकि दूसरा भाग होता है वो काउंटिंग के समय मतगणना के समय उपयोग में लाया जाता है।